हेलो दोस्तों, स्मार्ट तो सभी बनना चाहते हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि उनके पास हर सवाल के जवाब हो। लेकिन हर सवाल का जवाब उनके पास होना तो मुश्किल है, लेकिन आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके स्मार्ट जरूर बन सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए जानने का जुनून और जिज्ञासा होना बेहद ज़रूरी है। बहुत से विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया के बारे में जिज्ञासा बनाए रखने से दिमाग को तेज, आपको खुश करने, अपने रिश्तों को मजबूत करने में मदद मिलती है। साथ ही हम बताएंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो जिससे आप जीनियस महसूस करेंगे और आपका आत्मविश्वास काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो बिना देर के आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कौओं की बैड बुक्स में आना किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है? वाइल्ड लाइफ जीव विज्ञानी की स्टडी के अनुसार कौओं में हर व्यक्ति का चेहरा पहचानने की शक्ति होती है। अगर आपने कौवे के साथ कभी कुछ भी गलत किया और उन्होंने आपको देख लिया तो बदला कभी भी ले सकते हैं, इसलिए कौओं से सावधान रहें। दूसरा फैक्ट है, मानव हर दिन लगभग 22,000 से ज़्यादा बार सांस लेता है और ऑस्ट्रेलिया के लंग फाउंडेशन के अनुसार कोई व्यक्ति चाहे कितना भी एक्सहेल करे यानी सांस ले, उनके फेफड़े में फिर भी लगभग 1 लीटर हवा होती है जो फेफड़ों को पानी में तैरने के लिए पर्याप्त बनाती है। तीसरा फैक्ट है, बिल्लियों को इंसानों की तरह ही संगीत बहुत प्रिय लगता है, लेकिन वो इंसानों के संगीत को पसंद नहीं करते। यही कारण है कि विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय, मेडिसन और मेरीलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मिलकर कैट केंद्रित संगीत की रचना की है। बिल्लियों के लिए खासकर बने इस संगीत का नाम कोज मोस्ट एयर है। आपको बता दें, फोर्थ फैक्ट, डेजाऊ के बारे में तो सुना ही होगा, वैसे तो 100% सिद्ध नहीं हुआ है। ये एक आम सहमति है कि डेजाऊ तब होता है जब दिमाग के साइट से दूसरे साइट तक जानकारी स्थानांतरित करने में देरी होती है, यानी पहुंचाने में देरी होती है, इसलिए दिमाग पूरी जानकारी 2 बार प्राप्त करता है। ऐसा लगता है वैसे ही घटना पहले भी हो चुकी है, काफ़ी बार आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। फिफ्थ फैक्ट है, 2015 में टेक्सास में एक व्यक्ति ने एक आर्मडिलो को अपने बगीचे में चारों ओर घूमते हुए पाया और उसे गोली मारने की कोशिश की थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि आर्मडिलो की चमड़ी बुलेट प्रूफ निकली। साथ ही वो व्यक्ति बदकिस्मत निकला जिसने ये खोज की, क्योंकि जब उसने गोली मारी तो वो आर्मडिलो से टकराकर सीधे व्यक्ति के जबड़े में घुस गई और उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो गई। सिक्स्थ फैक्ट है, पिकासो कला की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम क्या है? उनका असली वास्तविक नाम बहुत लंबा है, वैसे काफ़ी ज़्यादा लंबा है। चित्रकार का पूरा नाम 23 शब्दों का है। हम आपको बताते हैं उनका पूरा नाम क्या है। उनका नाम पाब्लो डिएगो जोस फ्रांसिस्को डी पाउलो जुआन नेफोमुकेनो मारिया डे लॉस रेमेडियोस सिप्रियानो डे ला सेंटिसिमा त्रिनिदाद शहीद पेट्रिसियो क्लिटो सुइज वाई पिकासो था। इतना बड़ा नाम है ना, क्या फैक्ट है। तो दोस्तों, 7वां फैक्ट काफ़ी अलग है। तो दोस्तों, क्या आप लोग कभी सोच सकते हैं कि किसी भी कैलेंडर में 13 महीने होते हैं? ये थोड़ा अजीब लगता होगा आप लोगों को, मगर ये बात बिल्कुल सच है। आमतौर पर कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जहां 13 महीने होते हैं और यहां अब भी 2013 चल रहा है। हम लोगों के यहां 2020, लेकिन वहां 2013 चल रहा है। तो आइए जानते हैं उस देश का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस देश का नाम है इथियोपिया। अगर आप लोगों को हमारा फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो भूलिएगा ही मत।
नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक कर लीजिए और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो पहुंचेगी सबसे पहले आपके पास। मिलते हैं ऐसे ही एक अजीबोगरीब रहस्यमय फैक्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। 1, 2, 3, come on!